गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ नेहा राय। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगीसाइड स्टार्ट किया था, आज हम उसका फर्दर पार्ट देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंगीसाइड्स में हमने सल्फर फंगीसाइड्स के बारे में देखा था। तो सल्फर फंगीसाइड्स के बारे में हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो यूज है सल्फर का प्लांट डिजीज कंट्रोल में, ये प्रॉबली ये ओल्डेस्ट मतलब बहुत ही पुराने काफ़ी लंबे समय से पुराने समय से चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये क्लासिफाई होता है इनऑर्गेनिक सल्फर में एज वेल एज ऑर्गेनिक सल्फर में। तो जो इनऑर्गेनिक सल्फर है ये एलिमेंट मतलब एलिमेंटल सल्फर में और लाइम सल्फर में ये यूज किया जाता है। तो जो एलिमेंटल सल्फर है वो आइदर वो यूज़ किया जाता है एज अ डस्ट के फॉर्म में, या डस्ट के फॉर्म में, या तो फिर वो जो वेटेबल सल्फर है उसके फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर ये प्लांट डिजीज के कंट्रोल में हम इसे यूज़ करते हैं। फिर देन इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सल्फर है वो तो बेस्ट नोन है उसकी इफेक्टिवनेस में, जो कि बेसिकली बहुत सारे मतलब डिजीजेस में जो कि फेमस वन है दैट वन इज पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज में ये जो सल्फर हम फंगीसाइड यूज करते हैं, सल्फर कंपाउंड का फंगीसाइड, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट मतलब उसमें और भी कुछ ऐसे डिजीज वगैरह हैं जस्ट लाइक अगेंस्ट मतलब कुछ सर्टन जो डिजीजेस हैं लाइक रस्ट हो गया और लीफ ब्लाइट्स हो गए और फूड डिजीज वगैरह, इनके अगेंस्ट में ये काफ़ी इफेक्टिव है। इवन तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सल्फर फंगीसाइड्स हैं वो सफिशियंट है पेपर से मतलब ग्रोथ प्रिवेंट करता है, ये ग्रोथ ऑफ जो फंगल स्पोर्स है उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, चाहे वो एक लॉन्ग डिस्टेंस मतलब एरिया से ही वो इसका डिस्पोजिशन होना हो। फिर इवन तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सल्फर फंगीसाइड एक एडवांटेजेस देता है एज कम्पेयर टू जो अदर फंजी टॉक्सिकेंट्स है ना, उनके कंपेयर में ही एडेड एडवांटेजेस भी आपको देता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सल्फर फंगीसाइड्स है तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं। और प्लस लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डस्ट फंगीसाइड जब हम प्लांट में जब डिजीज पार्ट में हम उसको स्प्रे करते हैं तो क्या हो जाता है कि वो वॉश आउट कर, जैसे अगर जब भी हम पानी वगैरह डालते हैं इरीगेशन वगैरह तो वॉश आउट भी हो जाते हैं, जिसके हमें क्या करना पड़ता है बार बार इफेक्टिव हमें मतलब एप्लीकेशन ऑफ स्प्रे करने पड़ते हैं, कि बार बार आपको स्प्रे का एप्लीकेशन करना पड़ता है इस कारण से। फिर मैंने आपको ये बताया इसमें कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है सल्फर का जो कि काफ़ी मतलब यूज हो रहा है अभी अभी के टाइम में, जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, ठीक है। और ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम कार्बामेट फंगीसाइड के तौर पे हम बोल जिसका नाम है कहते हैं हम उसे, और ये एक डेरिवेटिव है डाइथियो कार्बामिक और डाइथियो कार्बामिक एसिड का और डाइथियो कार्बामेट्स का, और मतलब ये ना जो डाइथियो कार्बामेट्स है ये ब्रॉडली ग्रुप्ड है, और ब्रॉडली ग्रुप्ड है ये दो फॉर्म में, ठीक है। बेसिक जो है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, जैसे डाइथियो कार्बामेट्स है उसमें मोनो अल्कलाइन डाइथियो कार्बामेट और दूसरा है डाई अल्कलाइन डाइथियो कार्बामेट। तो मोनो में मैंने आपको बताया था जिलेट मैंने, है ना, इस तरीके का मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स। तो फिर आज हम देखेंगे जो लिस्ट है ना सल्फर फंगीसाइड्स की जो इम्पॉर्टेंट है वो भी डिजीज के कंट्रोल के लिए, ठीक है। और ये कैसा है कि एक ना टेबुलर फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इजीली इफेक्टिव हो जाएगा इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक सल्फर एज वेल एज ऑर्गेनिक सल्फर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनऑर्गेनिक सल्फर। इनऑर्गेनिक सल्फर में भी हम
एलिमेंट्री सल्फर देखेंगे, तो एलिमेंट्री जो सल्फर है वो सल्फर डस्ट फॉर्म में होता है। मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री सल्फर जो सल्फर डस्ट फॉर्म में ही वेटेबल फॉर्म जो होता है उसमें मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सल्फर डस्ट है ना, ये मतलब जो सल्फर डस्ट है इनका जो ट्रेड नेम है वो कोजान बेड सल्फर और माइक्रोसोल इस नाम से ही आपको मिलेगा मार्केट में। और साथ ही साथ ये इसमें जो ये सल्फर है ये अब जैसे डिजीज कंट्रोल इसमें कैसे होता है कि जो सल्फर है ये कांटेक्ट करता है प्रोटेक्टिव फंजीसाइड, मतलब सल्फर इज अ कांटेक्ट एंड प्रोटेक्टिव फंजीसाइड से। तो ये नॉर्मली अप्लाइड किया जाता है स्प्रे और डस्ट की फॉर्म में, आप इसे अप्लाई कर सकते हो सॉल्यूशन बना के स्प्रे में, और या तो आप ऑर्डरी फॉर्म में आप डस्ट के समान आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और जनरली ये यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया था इफेक्टिव है अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज, चाहे वो वेजिटेबल्स की हो, फ्रूट्स की हो, फ्लावर्स की हो या टोबैको में, तो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के अगेंस्ट हम इसे सल्फर को हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट वन, इसी में ये ऑल्सो इफेक्टिव है अगेंस्ट एप्पल स्कैब, एप्पल स्कैब जो डिजीज होती है वेंचुरिया इनइक्वालिसिस, और इसके अगेंस्ट भी ये बहुत अच्छा इफेक्टिव है, ठीक है एप्पल स्कैब पे। पाउडर मिल्डो तो है ही सल्फर के लिए, पाउडर मिल्डो के अगेंस्ट इफेक्टिव है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अदर डिजीजेस भी है जिनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है सल्फर हमारा फंगिसाइड, तो उनमें से आता है एप्पल स्कैब, वेंचुरिया इनइक्वालिस और रस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, जो भी फील्ड क्रॉप में ना जो भी रस्ट डिजीजेस है, ठीक है जो भी रस्ट की डिजीज आती है जितने भी फील्ड क्रॉप्स में उनमें भी सल्फर बहुत ही इफेक्टिव है। अब आते हैं हम लाइम सल्फर के, लाइम सल्फर के बारे में। तो लाइम सल्फर में क्या होता है कि लाइम सल्फर में मतलब जो केमिकल नेम है कैल्शियम पॉलीसल्फाइड, तो कैल्शियम पॉलीसल्फाइड के नाम से आपको मिलेगा। और इट कैन बी प्रिपेयर्ड, अब आप इससे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, बाय आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो कि बॉईल करो आप 9 kg और बॉईल करो आप 9 kg और या तो रॉक लाइम लो और ठीक है और 6.75 kg ऑफ सल्फर लो इन 225 liter ऑफ वाटर, ठीक है तो आप 225 liter ऑफ वाटर में आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। ये जो लाइम सल्फर है ये इफेक्टिव अगेंस्ट, मैंने आपको बताया था सल्फर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अगेंस्ट होता है पाउडर मिल्डियो में एज अ प्रोटेक्टिव फंजीसाइड। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइम जो सल्फर है वो वर्क कैसे कर रहा है प्रोटेक्टिव फंजीसाइड के तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्री सल्फर है, ठीक है एलिमेंट्री जो सल्फर है ये कैसा है कॉन्टैक्ट एंड प्रोटेक्टिव फंजीसाइड है, कॉन्टैक्ट एंड प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स, और यहाँ पे ये प्रोटेक्ट लाइम सल्फर एज अ वर्क कर रहा है प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स के तौर पर। फिर नेक्स्ट वन है, मैंने आपको अभी इनऑर्गेनिक सल्फर के बारे में बताया था, अब मैं आपको बताऊंगी ऑर्गेनिक सल्फर के बारे में। ऑर्गेनिक सल्फर में डाइथियो कार्बामेट्स है, तो डाइथियो कार्बामेट्स ठीक है जिसमें मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, एक बताया था मैंने आपको कि ये क्या होता है, एक होता है मोनो अल्कलाइन डाइथियो कार्बामेट्स और दूसरा होता है डाई अल्कलाइन डाइथियो कार्बामेट्स होता है, ठीक है ये टू फॉर्म होते हैं, दो टाइप्स होते हैं इसके। तो मोनो अल्कलाइन डाइथियो कार्बामेट को हम सबसे पहले देखेंगे, तो इसमें क्या होता है इसमें जो कंपाउंड्स है वो है जिनेब, ठीक है तो जो जिनेब है जिनेब हम यूज करते हैं और जो ठीक है जिनेब में जिंक इथिलीन दिस डाइथियो कार्बामेट, ये है इसका केमिकल नेम जिंक इथिलीन दिस डाइथियो कार्बामेट। और इसमें जो हेक्सैंथीन 75 वेटेबल पाउडर, और यहाँ पे लेकिन हाँ यहाँ पे ये जो जो ट्रेड नेम से ये हुआ है ये याद रखना ठीक है किस तरीके का कंपोजिशन है ट्रेड नेम, तो यहाँ पे जेंथिन इसमें जो सॉरी हेक्साजेंथिन जो है 75 वेटेबल पाउडर और डाइथियन जेड 78 नाम से आपको मार्केट में मिलेगा ट्रेड नेम इसका,
और फ्यूजेम, लोनोकोल, इसमें जो पैराजेट सी है, और ड्यूपॉन फंजीसाइड ए है, पॉलीरैम, इन नाम से आपको ये मार्केट में मिलेगा, ठीक है, ट्रेड नेम है ये इनका। और ये जो डिजीज कंट्रोल में आप देखेंगे तो ये यूज है प्रोटेक्टिव फोलिएज, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है ये फोलिएज को और फ्रूट्स को, लीव्स वगैरह जो फ्रूट्स वगैरह फोलिएज पार्ट्स है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। वाइड रेंज जो होस्ट का कवर करता है बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में अगेंस्ट सच डिजीज जैसे कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो टमाटो में होती है उनमें, प्लस जो डाउनी मिल्ड्यूज है, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यूज, डस्ट, सीरियल्स, और जो डाउनी मिल्ड्यूज कैसे, जैसे डाउनी मिल्ड्यूज ऑफ ग्रेप्स हो गई, ठीक है, तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स वगैरह में ये इफेक्टिव है, रस्ट वगैरह में है, जो जो रस्ट वगैरह है एल्बिगो कैंडिडा जैसे रस्ट है मस्टर्ड का, ठीक है, उनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। रस्ट ऑफ सीरियल्स और ब्लास्ट डिजीज जो राइस ब्लास्ट है, फ्रूट रॉट ऑफ चिली, चिली में फ्रूट रॉट आती है, एंथ्रेक्नोज वगैरह जो, ठीक है, फ्रूट रॉट वगैरह आता है उसके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट वन है मैनेब। तो जो मैनेब है उसको मैग्नीज इथिलीन विज डाइथियो कार्बामेट, ओके, इसका केमिकल नेम है, इससे ये जो मैं आपको केमिकल नेम्स बता रही हूँ उसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इसमें मैग्नीज इथिलीन विज डाइथियो कार्बामेट है, तो इसका जो ट्रेड नेम है वो डाइथियन M22 है, ठीक है, और मैनजिक WP क्या है, वो वेजिटेबल पाउडर है, ओके, और मैप इस नाम से ये आपको मार्केट में ट्रेड नेम से आपको मिलेगा। फिर दूसरा है मैनकोजिप, मैने प्लस जिंग आयन। इसमें क्या है, जो ये मैनेप है ना, इसमें क्या होता है कि मैनेप में मैग्नीज है, मैग्नीज इथिलीन है इसमें, मैग्नीज इथिलीन इसमें, इसमें अमाउंट उसका ज़्यादा है। इसमें मैनकोजिप में क्या होता है, मैनेप होता है ये मैनेप प्लस जिंग आयन होते हैं, ठीक है, जिंग आयन भी होता है। तो डाइथियन M45 कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे डाइथियन M22 मैनेप का है, लेकिन डाइथियन जो डाइथियन है वो M45 है इसका, मैनकोजेप का, इंडोफिल M45 और मैनजेप, इस नाम से आपको मैनकोजेप मार्केट में मिलेगा ट्रेड नेम से, ठीक है। अब ये दोनों जो मैनेप और मैनकोजेप है, ये दिस टू, ये दोनों के दोनों फंजीसाइड्स कैसे हैं, प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स है, और प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स है और यूज अगेन टू कंट्रोल बहुत सारे मेनी फंगल जो डिजीजेज है फील्ड क्रॉप्स से, फ्रूट नट्स, फ्रूट्स में और नट्स में, ऑर्नामेंटल्स जो प्लांट्स हैं, ठीक है, और वेजिटेबल्स है, इनमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और स्पेशली अगर आप बात करें तो ब्लाइट वगैरह की, पोटैटो में जो ब्लाइट्स वगैरह आते हैं, टमाटो पोटैटोज में, और डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है डाउनी मिल्ड्यू की, मैंने अभी तक अभी पाउडरी मिल्ड्यू की बात नहीं की है, डाउनी मिल्ड्यू जो वेन्स होते हैं ग्रेपवाइन के, जो डाउनी मिल्ड्यूज होते हैं, और एंथ्रेक्नोज हो गया वेजिटेबल्स में, रस्ट हो गया पल्सेस में, यहाँ पे रस्ट पल्सेस में हो रहा है, ठीक है, सीरियल्स नहीं बोला मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ की ऐसी छोटी छोटी बारीकी जो होती है ना, इनको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पे हम गलती कर देते हैं इसी पॉइंट पे आके। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही था यहाँ पे इसमें, कि ये जो डिजीज कंट्रोल लिस्ट में है ये डाउनी मिल्ड्यू है, अभी मैंने कहा डाउनी मिल्ड्यू और वाइन्स है, और रस्ट ऑफ पल्सेस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट वन है नबाम। नबाम DSE यानी कि डाई सोडियम इथिलीन डिस डाइथियो कार्बामेट, तो इस नाम से ये केमिकल नेम है इसका, और चेबाम डाइथेन A40 डाइथेन D14 पेरजेट लिक्विड, इस नाम से आपको ट्रेड नेम मिलेगा, ठीक है, ट्रेड नेम इस ये केमिकल का ट्रेड नेम है ये, इस नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। नबाम की एक प्राइमरली यूज किया जाता है फोलियर एप्लीकेशन में, आप इसको लेते हो सिर्फ जो फोलियर एप्लीकेशन होते हैं,
ऐसे कि कोरियर एप्लीकेशन पे कौन कौन से पैथोजन अटैक करते हैं, जैसे लीफ स्पॉट हो गया पैथोजन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है, लीफ स्पॉट के अगेंस्ट वर्क करता है, जैसे लीफ लीफ स्पॉट जैसे अल्टरनेरिया अल्टरनेरिया बनाता है लीफ स्पॉट, मैंने आपको बताया था, तो उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। सॉइल एप्लीकेशन आप देखा गया है, सॉइल एप्लीकेशन आप कर सकते हो। सिस्टमिक एक्शन होता है किसमें, पीथियम हो गया, फ्यूजेरियम, फाइटोथोरा, तो इन इन सब के अगेंस्ट ये कैसा एक्शन वर्क करता है, ये एक इफेक्टिव एक्शन आपको सीखने के लिए मिलेगा। आपको इससे जो फ्यूजेरियम हो गया और फाइटोथोरा हो गया, पीथियम हो गए, तो सॉइल में, क्योंकि हम इसका एप्लीकेशन कहाँ कर रहे हैं, सॉइल में कर रहे हैं। और ये जो ये क्या है, सॉइल बॉर्न डिजीज वगैरह है, तो इनके अगेंस्ट जो इनके अगेंस्ट ना ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और ये ऑल्सो कंट्रोल टू यूज एल्गी इन पैडी फील्ड, जब हम ना पैडी फील्ड में देखते हैं एल्गी वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलती है। पैडी एल्गी क्यों देखने के लिए मिलती है पैडी फील्ड में, क्योंकि पैडी फील्ड में हम क्या करते हैं कि फ्लड इरीगेशन करते हैं, ठीक है, तो जब हम फ्लड इरीगेशन करते हैं तो फ्लड इरीगेशन की वजह से क्या होता है, क्योंकि एल्गी मोस्टली रिक्वायर्ड की एल्गी पानी में काफी अच्छे से रॉक्स वगैरह में तो होती है, लेकिन वाटर में काफी आपको एल्गी इजिली देखने के ग्रो होते हुए दिख जाएगी, तो पैडी फील्ड में आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फ्यूजेरियम है, फ्यूजेरियम कैसा होता है, फ्यूजेरियम होता है जो आपको पता होगा कि फ्यूजेरियम, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वर्टिसिलियम और फ्यूजेरियम दोनों के दोनों ही ये है सॉइल बॉर्न पैथोजन है, लेकिन एक एक चीज दोनों में डिफरेंस है कि फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम में दोनों का मोड ऑफ एक्शन भी एक जैसा ही है, लेकिन दोनों में एक चीज जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि फ्यूजेरियम जो वार्म रीजन है, वार्म क्लाइमेटिक रीजन को ऑक्यूपाई करता है, और वही जो वर्टिसिलियम है तो वर्टिसिलियम जो कूलर रीजन है उसको ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वैम, तो वैम एसडीएमसी दैट इज सोडियम मिथाइल डाइथियो कार्बामेट, ये इसका केमिकल नेम्स है, तो ये वैम के नाम से आपको मिलेगा मार्केट में, पीपीएम जेबैम 4S कार्बाशंस बीटा फ्यूम, इस नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये इट इज अ सॉइल फंजीसाइड एंड नेमेटिसाइड, ओके, सॉइल फंजीसाइड एंड नेमेटिसाइड से विद फ्यूमिगेट एक्शंस, ठीक है। अब सॉइल फंजीसाइड है और साथ ही साथ नेमेटिसाइड्स भी है, यानी कि नेमेटोड पे भी वर्क करता है, ओके, एंड आप इसको फ्यूमिगेंट एक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपरली रिपोर्टेड भी है इंसेक्टिसाइडल्स में, हर्बिसाइडल प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि इंसेक्ट पे भी ये वर्क करता है, हर्बिसाइड से जैसे वीड्स वगैरह हो गए है ना, अनवांटेड प्लांट जो हर्बिसाइड को बोला जाता है, तो वीड्स वगैरह जो उनमें भी ये इफेक्टिव है, ठीक है। और इवन दो ये डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज होती है ना हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स में, जो बहुत ज्यादा मोस्टली आपको देखने के लिए मिलती है नर्सरी स्टेज में, ठीक है, जहाँ पे सिटिंग आपकी विल्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है डैम्पिंग ऑफ की वजह से, तो ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज इन पपाया वेजिटेबल्स में भी आपको इसके अगेंस्ट भी आपको इफेक्टिव मिलेगा। और साथ ही साथ ये कंपाउंड आपको विल्ट ऑफ कॉटन में भी काफी ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा, फिर प्लस निमेटोड का इन्फेस्टेशन, ठीक है। अब निमेटोड का मैंने आपको बताया कि इसमें निमेसाइडल प्रॉपर्टी भी है कि आप निमेटोड भी इससे इजीली निमेटोड को भी ये किल करता है, तो जो निमेटोड इन्फेस्टेशन करते हैं जैसे सिट्रस वगैरह में, आपको सिट्रस में मैंने आपको बताया था सिट्रस क्रॉप में कौन सा निमेटोड बनता है, टाइलेंकस सेमी पेनिट्रांस, तो जो टाइलेंकस सेमी पेनिट्रांस है ना, तो इसके अगेंस्ट क्या होता है कि बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव रहता है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट टाइलेंकस सेमी पेनिट्रांस के अगेंस्ट ही क्या होता है इफेक्टिव रहता है। और
पोटैटो में मैंने आपको बताया था, पोटैटो में ग्लोबोनेरा वगैरह जो है ना, पोटैटो में आपको मैंने बताया था कि गोल्डन निमेटोड जो पोटैटो में कॉज करता है, दैट वन इज ग्लोबोनेरा रोस्ट्रोचैनेंसिस, तो ये इसके अगेंस्ट भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और जो सिट्रस निमेटोड है टैलेंकस सेमी वेनिजॉन्स या धरती का नीम को, तो ये क्या करता है, ये स्लो डिक्लाइन होने लग जाता है इसमें ना, सिट्रस ट्रीज में ना स्लो डिक्लाइन होने लग जाता है। और ये साथ ही साथ ना एसोसिएट भी है जो डाई बैक जो डिजीज है ना सिट्रस ट्रीज में इंडिया में, उसमें भी ये एसोसिएट है। ठीक है, तो वैम नेमेटिसाइड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसमें, और गोल्डन निमेटोड इन पोटैटो ग्लोबोनेरा रोस्ट्रोचैनेंसिस, और ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ये जो पोटैटो में निमेटोड का इंफेस्टेशन है और वो भी ग्लोबोनेरा का, वो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने के लिए मिलेगा, नीलगिरी और कोडाई कैनाल जो हिल्स हैं हमारे यहाँ साउथ में, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इनका इंफेस्टेशन। फिर रूट नॉट निमेटोड इन वेजिटेबल्स, तो रूट नॉट निमेटोड पैलेडोगाइनी जो स्पीसीज है वो तो ओवरऑल रूट नॉट निमेटोड तो लाइक वो हर एक वेजिटेबल क्रॉप्स पल्सेस ऑर्नामेंटल फ्रूट क्रॉप सब में इफेक्ट करता है, क्योंकि उसका लार्ज नंबर में इसका जो इंफेस्टेशन है ये पॉलीफेगस है, तो लार्ज नंबर में ये कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में प्लांट्स को तो वाइड रेंज में आप प्लांट्स को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है ज़िरम, कि अब हम देख रहे हैं डाई अल्कलाइन डाइथियोकार्बामेट, पहले हमने देखा था मोनो अल्कलाइन डाइथियोकार्बामेट, अब हम डाई अल्कलाइन डाइथियोकार्बामेट, उसमें हम देखेंगे ज़िरम। तो ज़िरम है जिंक डाइमिथाइन डाइथियोकार्बामेट, तो क्यूमन क्यूमन एल ज़िरम ज़िरम 80 WDP, ओके, हेक्साएज़राइन 80% WP वेटेबल पाउडर है। फिर कॉर्डोसेट, इसमें कोरोजेट है इसमें, ठीक है, इसमें कॉर्डोसेट कोरोजेट में, कार्बम वाइट मिलबाम, इस तरीके से ज़िरम वगैरह जिटॉक्स 80%, ये सारे इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे इन ट्रेड नेम्स। ओके, ये जितने भी ट्रेड नेम है इन ट्रेड नेम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर जो ज़िरम है वो प्रोटेक्टिव फंगीसाइड्स है फॉर यूज ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स में। ओके, तो जो जितने भी फ्रूट्स हैं वेजिटेबल क्रॉप्स वगैरह हैं तो उसमें क्या है इफेक्टिव है, और जो फंगल पैथोजेंस के अगेंस्ट में, और साथ ही साथ जैसे एप्पल्स कैप्स वगैरह हैं इसमें भी इफेक्टिव है, और ये एक नॉन साइटोटॉक्सिन है। कई बार हमने ऐसा भी देखा गया है कि जो कंपाउंड्स है केमिकल कंपाउंड्स वो क्या होते हैं, वो फाइटोटॉक्सिन होते हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है, लेकिन ये क्या है, ये नॉन फाइटोटॉक्सिन है एक्सेप्ट टू जिंक सेंसिटिव प्लांट्स, अगर कोई प्लांट है वो जिंक को सेंसिटिव है तो उसको छोड़ के, ठीक है, मतलब कई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि जिंक में सेंसिटिव है, कि इसमें जो मेन कंपाउंड है वो जिंक है, तो उन प्लांट्स को अवॉइड करके, उन प्लांट्स को एक्सक्लूड करके, ये नॉन फाइटोटॉक्सिन है, हाईली इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट, एंथ्रैकनोज के अगेंस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, एंथ्रैकनोज, और एंथ्रैकनोज सबसे ज़्यादा बीन्स वगैरह में आती है, ठीक है, बीन्स में पल्सेस में आपको एंथ्रैकनोज सबसे ज़्यादा देखने के मिलेगा, तो एंथ्रैकनोज डिजीज के अगेंस्ट ये सीरम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। प्लस जो टोबैको है टमाटो है ये ऑल्सो अगेंस्ट रस्ट और बीन्स, तो रस्ट और बीन्स के अगेंस्ट भी आपको ये इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इसमें सीरम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला याद रखिएगा, एंथ्रैकनोज वाला पॉइंट जो इफेक्टिव है, और ये फाइटोटॉक्सिन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है परफॉर्म, तो परफॉर्म में क्या होता है, फेरिक डाइमिथाइल डाइथियोकार्बामेट, ठीक है, फेरिक यानी कि आयरन कंपाउंड कंटेंट है, तो फोरोमेट फॉर्बाम फोरोमेट फॉर्बाम फेरमिसाइड्स हेक्साफॉर्म 75 वेजिटेबल पाउडर फॉर्बाम, इस तरीके से ये सारे क्या है, ये सारे के सारे जो है वो आपको
जो जितने भी है ये ट्रेड लेना है, ठीक है। तो फबाम इज मेनली यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉलिएज अगेंस्ट फंगल पैथोजेंस ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो फबाम है ना ये बहुत ज्यादा, तो जो ये फबाम है ये इफेक्टिव है अगेंस्ट जो फॉलिएज पैथोजेंस के, फॉलिएज डिजीज के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन देता है फॉलिएज में अगेंस्ट फंगल पैथोजेंस में। तो वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग टेफ्रिना डिफॉर्मिस, ठीक है, टेफ्रिना डिफॉर्मिस किसमें होता है, पीच में, ठीक है। तो पीच वगैरह में एंथ्रैक्नोज हो गया, सिट्रस में, डाउन मिल्डियो ऑफ टोबैको एंड इवन दो एप्पल स्कैब में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है इनके अगेंस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज थीरम। थीरम बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थीरम इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक यहाँ से शुरुआत हो जाती है सेड ट्रीटमेंट की। ओके, थीरम इसका केमिकल नेम है टेट्रा मिथाइल थीरम डाइसल्फाइड, टेट्रा मिथाइल थीरम डाइसल्फाइड। तो जो थीरम है मार्केट में आपको थीरम के नाम से भी मिलता है, 75 वेजिटेबल पाउडर ये जो 75 WDP के नाम से आपको मिलेगा, ठीक है। और थीरम मैंने आपको जैसे बताया थीरम के नाम से मिलेगा, आर्सेन के नाम से मिलेगा जो मोस्ट फेमस है, आर्सेन 75 आर्सेन के नाम से, टेट्रासन 75 सॉरी, ठीक है। तो इन नाम से आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे शुरुआत होती है सीड ट्रीटमेंट, जो सीड ट्रीटमेंट है वो थीरम के थ्रू आप ना ड्राई पाउडर से भी कर सकते हो, स्लरी भी ले सकते हो। अब ड्राई पाउडर से कैसे करेंगे सीड ट्रीटमेंट, आप एक उसमें एक बाउल में आप सीड ले लीजिए और उसके ऊपर आप थीरम का मतलब थीरम जो पाउडर होता है उसको आप डाल दो, ठीक है। और उसको काफी टाइम तक उसको इस तरीके से शेक करो कि वो एक पूरा जो सीड्स के सरफेस में आपको पूरा थीरम मतलब सीड के सरफेस में एक कोटिंग टाइप की हो जाए थीरम की, ठीक है। इस तरीके से आप सीड को प्रोटेक्ट कर सकते हो जो जो एक्सटर्नल जो ये जो जब आप सोइंग वगैरह करते हो तो सोइंग करने के पहले आप सीड का ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप सीड को प्रोटेक्ट कर सकते हो पैथोजन से, ऑर्गेनिज्म से। और साथ ही साथ आप स्लरी यानी कि आप क्या करो, आप ना सॉल्यूशन बना दो थीरम का और उसमें आप सीड को थोड़ा सा डिप करो और देन उसके बाद फिर आप सोइंग करो, डिप करने के बाद उस सॉल्यूशन में उतने अमाउंट में आप सोइंग डिप करने के बाद, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव फंजीसाइड से और सुटेबल है एप्लीकेशन ऑफ फोलियज के लिए टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल करना है, बॉटराइटिस। ओके, तो जो बॉटराइटिस स्पीसीज है उसके अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्टिव फंजीसाइड है और एप्लीकेशन ऑफ फोलियज है वो इफेक्टिव है, ठीक है। और जैसे लैट्यूस है, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है, सॉफ्ट फ्रूट वगैरह है और वेजिटेबल्स, ग्रास, ऑर्नामेंटल्स एंड इस तरीके से मतलब इन सब के अगेंस्ट भी वो जो इन सबको कॉज करता है बॉटराइटिस डिजीज, इनके अगेंस्ट में थीरम आपको बहुत ही इफेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। फिर साथ ही साथ वेंचूरिया पायरिना जो कि पियर्स में कॉज करता है इसमें भी बहुत इफेक्टिव है। और यहाँ सीड ट्रीट नॉट ओनली सीड ट्रीटमेंट, ओके, सीड ट्रीटमेंट में ही इफेक्टिव नहीं है, फॉलिएज में भी है और साथ ही साथ सॉइल में भी है, जो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस होते हैं ना उनके अगेंस्ट में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस मैंने आपको बताया था पीटीएम, पीटीएम हो गया, राइजोक्टोनिया हो गया, फ्यूजेरियम है, तो ये सारी क्या ये सॉइल बॉर्न पैथोजेंस है। तो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस के अगेंस्ट में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थीरम का ये जो केमिकल नेम्स है टेट्रामिथाइल थीरम डाइसल्फाइड, ओके, ये नाम आपको याद रखना होगा, केमिकल नेम्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थीरम का। और थीरम के एक दो जो मोस्ट फेमस जो ट्रेड नेम्स है जैसे थीरम 75 WDP ये, ठीक है, और फिर प्लस आर्सेन टेट्रासन 75, तो इस टाइप्स के आपको दो तीन और थीरम के नाम से भी मतलब जो ट्रेड नेम्स है आपको याद रखने होंगे। और यहाँ पे जो कंट्रोल में
जब से भी एक थीरम से ही मतलब चीजें स्टार्ट होती है, और थीरम ही सबसे इम्पोर्टेंट था है, क्योंकि ये नॉट ओनली सीड ट्रीटमेंट भी कर रहा है आपका, फॉलिएज में भी दे रहा है आपका, और सॉइल भी कर रहा है। ये तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीन चीज याद रखना, तीन चीजों में ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से थीरम हुआ। नेक्स्ट वन है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉपर फंजीसाइड। तो हमने स्टार्ट किया, पहले हमने देखा था सल्फर, ठीक है, सल्फर फंजीसाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब क्या हुआ, अब सल्फर फंजीसाइड्स तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम जो नेक्स्ट वन देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कॉपर फंजीसाइड्स। तो कॉपर फंजीसाइड्स में क्या होता है, बेसिकली ये जो कॉपर फंजीसाइड्स है ये बहुत ज्यादा मतलब ये फंजीसाइडल जो एक्शन है कॉपर का, ये आपको अर्ली मेंशन हुआ था 1807 में प्रिमोस ने, अगेंस्ट वीट बर्न डिजीजेस है, टेनिशिया और कैरेसेस है, और बट इट्स लार्ज स्केल पे ये फंजीसाइडल स्टार्ट हुआ था 1885 से स्टार्ट हुआ था, जब डिस्कवरी हुई थी किसकी, बॉडेक्स मिक्सचर की। और किसने की थी, मिलर डेट ने की थी फ्रांस में, बॉडेक्स मिक्सचर की डिस्कवरी। तो वहां से एक्चुअली पूरी चीजें स्टार्ट हुई, क्यों, क्योंकि जब बॉडेक्स मिक्सचर की जब डिस्कवरी की थी ना इन्होंने मिलर डेट में, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो मिक्सचर था इसका, ये प्लाज्मो पारा विटिकोला के अगेंस्ट किया था इन्होंने, डाउनी मिल्डियो में और लेट ब्लाइट ऑफ फाइटोप्थोरा में भी उन्होंने वो किया था, वर्क किया था। तो क्या हुआ कि जो ये मिक्सचर है जो ये कंपाउंड का, तो ये बेसिकली ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसमें जैसे मिक्सचर जो कॉपर सल्फेट है, लाइम है, वो इफेक्टिव था इनके अगेंस्ट। और साथ ही साथ कंट्रोल करना डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेपाइन के, ठीक है, प्लाज्मो पारा विटिकोला और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इंफेस्टांस, क्योंकि उस समय केमिकल्स जो फंजीसाइड्स वगैरह हैं, तो उस समय फंजीसाइड्स का इतना ज्यादा मतलब फंजीसाइड्स इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था, उनकी डिस्कवरी इतनी नहीं हुई थी। तो ये जो फंजीसाइड था ना कॉपर सल्फेट और लाइम्स का, ये बहुत ज्यादा उस टाइम पे इफेक्टिव माना गया था, क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस में जो 19th सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ था कि फ्रांस और जो यूरोप कंट्रीज है, तो यहाँ पे जो डाउनी मिल्ड्यू फ्रांस में और फाइटोप्थोरा जो इंफेस्टांस है पोटैटो में, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये यूरोप कंट्रीज में, तो वहां पे डिजीज के कारण बहुत ज्यादा एक लार्ज अमाउंट में इंफेस्टेशंस देखने के लिए मिला था, और क्रॉप्स की क्रॉप्स वहां डैमेज हुए थे। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने ये मिक्सचर जो कॉपर और सल्फेट और लाइम का निकाला था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ अदर कॉपर सल्फेट प्रिपरेशन भी किया था, डेवलपमेंट हुआ था, जैसे बॉडेक्स पेस्ट, बॉडेक्स मिक्सचर तो अलग था, ये बॉडेक्स पेस्ट है, ठीक है। फिर बरगंडी मिक्सचर, चेस्टनट कंपाउंड, ये सारे जो मिक्सचर इन्होंने निकाले थे ना, ये सारे कॉपर फंजीसाइड्स के हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ना इफेक्टिव थे अगेंस्ट कंट्रोल ऑफ सेवरल, बहुत सारे मतलब जो प्लांट डिजीजेस वगैरह है तो उनके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव था। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बॉडेक्स पेस्ट है, हम क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक बार रिवाइज करती हूँ वाला पॉइंट, कि जो बॉडेक्स मिक्सचर है वो हम लोग क्या करते हैं, जब कभी आप ना ट्रीज में वुंड आती है, वुंड ड्रेसिंग वगैरह आप करते हो, मतलब जैसे समझ लो फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रीज में ना अगर आप जैसे प्रूनिंग वगैरह, ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हो किसी भी ट्रीज का, ठीक है, तो जैसे फ्रूट ट्रीज वगैरह हो गए, तो आप जब प्रूनिंग और ट्रेनिंग करते हो तो उसके बाद आप वो जो प्लेस है जहां से आप कट करते हो, ठीक है, प्लांट्स को, वो आप उसको वैसे के वैसे तो नहीं छोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि अगर आप वैसे का वैसा उस प्लेट्स को कट करके, ठीक है, उस पार्ट से डिजीज प्लांट हुआ, डिजीज प्लांट या एक्स्ट्रा ब्रांचेस वगैरह आप कट कर देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि वहां से पैथोजन की एंट्री प्लांट के अंदर होना बहुत ईजी हो जाता है, वुंड ड्रेसिंग से बहुत सारे पैथोजेंस तो इजीली एंटर कर लेते हैं प्लांट के अंदर, तो हमें प्रोटेक्ट करना रहता है प्लांट्स को कि पैथोजन का एंट्री ना हो। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि जो बॉडेक्स पेस्ट है ये हमें लगाना पड़ता है उसमें। तो बॉडेक्स पेस्ट क्या करता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कि आपके पैथोजन को कंट्रोल करने में, ओके। और इवन दो वहां पे हम बॉडेक्स पेस्ट भी लगाते हैं, और साथ साथ आपने देखा होगा कि कई ऐसे जैसे फ्रूट ट्रीज वगैरह हैं कि जिसमें नीचे ग्राउंड से लेकर 1 सेंटीमीटर ऊपर तक आप
पेंट वगैरह लगाते हैं, बोर्डो पेंट के नाम से भी जाना जाता है कि आप वो लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो टर्माइट्स वगैरह, एंट्स वगैरह है ना, और जो टर्माइट्स वगैरह हो गई है, और जो इंसेक्ट्स, अदर फर्दर इंसेक्ट्स वगैरह है, तो वो प्लांट्स को पंचर नहीं कर पाते, वो प्लांट्स को मतलब डैमेज नहीं कर पाते, ट्रीज वगैरह को डैमेज करते नहीं, वो डैमेज नहीं कर पाते इनकी वजह से, ठीक है। इनमें एक जो इनमें जो फंगल प्रॉपर्टी, इंसेक्टिसाइडल जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, उन उसके कारण। ओके, तो एडिशनली कुछ प्रिपरेशन की जाती है, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन भी यूज किया जाता है इसमें, ये भी डाला जाता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड्स वगैरह। और दीज आर ऑल इन सोल्यूबल कॉपर्स कंपाउंड है, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, यूज है मैनेजिंग करना सेवरल लीफ डिजीज को, सीडिंग जो ये सीडलिंग जो डिजीजेज है नर्सरी में, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और खासकर ये जो कंपाउंड है, मैंने आपको बताया कि ये लीफ डिजीज है उनको मैनेज करने में, और वो भी लीफ डिजीज को मैनेज करने में, और सीडलिंग वाली जो होती है ना, सीडलिंग डिजीज जिसे नर्सरी, मैंने आपको डैपिंग ऑफ वगैरह बताया था कि नर्सरी स्टेज में कॉज करती है, तो ऐसी डिजीज को मैनेज करने में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज कंट्रोल जो कि कॉपर फंजीसाइड्स है, वो टेबलेट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से। अब पहला है कॉपर सल्फेट प्रिपरेशन। तो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का ना प्रिपरेशन, अब हम कैसे वो करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो बॉडेक्स मिक्सचर है, तो बॉडेक्स मिक्सचर का क्या होता है, बॉडेक्स मिक्सचर ना 1882 में मुलर डे जो है ना, उन्होंने फ्रांस में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक तरीके से एक्सीडेंटली इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एफिशिएंसी जो कॉपर सल्फेट की है अगेंस्ट जो डाउनी मिल्डियो और ग्रेप्स है, प्लाज्मोबारा विटिकोला में देखा उन्होंने, तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो कॉपर सल्फेट है जब हम इसे ना मिक्स करते हैं लाइफ का जो सस्पेंशन है उसके साथ, जब हम इसे मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है और चेक करता है डिजीज इंसिडेंस को। और यहाँ पे जो ये मिक्सचर है ना कॉपर सल्फेट का लाइम के साथ, वो उन्होंने उस मिक्सचर को मतलब बॉडेक्स मिक्सचर के नाम से उन्होंने बोला इसे, और इसका ओरिजिनल जो फॉर्मूला था जो डेवलप किया था मिलर डेट ने, ये था कि 5 LBS जो कॉपर सल्फेट प्लस 5 LBS जो लाइन है, और प्लस 50 गैलॉन इन्होंने वाटर लेकर किया था इन्होंने, ठीक है, इन्होंने इस तरीके से इसका मिक्सचर बनाया था। तो और ये जो ये मिक्सचर था ना, तो ये कैसा था, ये ना एक जिलेटिनस प्रेसिपिटेशन था, क्यों, क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्सी कॉपर हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं, कैल्शियम सल्फेट, तो ये यूजुअली ये स्काई ब्लू कलर का था, और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, और ये एक्टिव प्रिंसिपल है कि टॉक्सिन्स टू फंगल स्पोर्स को इन मैट्रिक्स सिस्टम में ये क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है 1% बॉडेक्स मिक्सचर को फॉर द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड, ठीक है। अब क्या होता है कि 1 kg जो कॉपर सल्फेट है और वो डिजॉल्व होता है 50 लीटर ऑफ वाटर में, वैसे ही सिमिलरली 1 kg ऑफ लाइम को आप उन पाउडर को आप क्या करोगे, आपको डिजॉल्व करोगे दूसरे 50 लीटर वाटर में। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये स्लोली स्लोली ये ऐड किया जाता है लाइम सल्फर में, और फिर इसके बाद आप इसको स्टेयर करने लग जाते हो, स्टेयरिंग करने लग जाते हो, और ये जो सॉल्यूशंस है ना ये एक दूसरे में मतलब जो दूसरा तीसरा कंटेनर आपको लेना होता है, और ये तीसरे कंटेनर में आप ये दोनों सॉल्यूशन आप एक साथ मतलब पोर कर देते हो, ठीक है। तो इससे जो ये रेशियो होता है ना इसका कॉपर सल्फेट का और लाइम सोल्यूशन का, ये डिटरमाइन करता है पीएच उसका मिक्सचर के, और यहाँ से जो ये मिक्सचर प्रिपेयर्ड होता है ना इस रेशियो से, वो कैसा होना चाहिए, वो न्यूट्रल और ये अल्कलाइन मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है, और ये मिक्सचर एसिडिक होना चाहिए, और इट कंटेन एक फ्री कॉपर, ठीक है। तो ये हाई बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, और फिर हम इसे अप्लाइड करते हैं, और बहुत सारा मतलब ये इस तरीके से ना ये क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है प्लांट्स में। ओके, तो जब आप उसमें प्लांट्स में लगाते हो तो ये
मतलब ये एज अ इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और एक और चीज है, जैसे कि स्काई ब्लू कलर का होता है सोल्यूशन, ओके, तो स्काई ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम गेरू गेरू डाल देते हैं। गेरू एक ना ब्राउनिश कलर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, तो गेरू हम उसमें ऐड करते हैं कि उसमें फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन, एक और चीज है, जब हम ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ना बोर्डेक्स मिक्सचर का, ये हमेशा या तो मिट्टी के बर्तन में या लकड़ी के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में हमें बनाना चाहिए। हमें इसे कभी मेटल के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें ये मेटलिक बर्तन में क्या हो गया, कोरोसिव मेटलिक वेसल्स में हमें इसको ना कभी नहीं बनाना चाहिए। ये कॉपर रहता है ना, तो कॉपर का फिर रिएक्शन होने लग जाता है, ठीक है, और टॉक्सिंग होने लग जाता नहीं तो ये इसमें, ओके। तो फिर इस तरीके से आप बोर्डेक्स मिक्सचर हम प्रिपेयर करते हैं। तो बोर्डेक्स मिक्सचर है वो प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉपर सल्फेट्स लाइम इन अ वाटर टू गेट 1% मिक्सचर, मिक्सिंग 1 kg ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 1 kg ऑफ लाइम इन 100 liters ऑफ वाटर में, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम इसे बनाते हैं। और जो बोर्डेक्स मिक्सचर है वो यूज किया जाता है, प्रोटेक्टिव होता है अगेंस्ट फंजीसाइड्स फॉर फोलिएज एप्लीकेशंस। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर हैव हाई टेनिसिटी, मतलब पता क्या होता है कि जैसे अगर आप अभी प्रिपेयर करते हो कोई मिक्सचर और फिर उसके बाद अपना पेस्ट, मतलब आप उसके बाद उसे स्प्रे करते हो या पेस्ट करते हो उसमें प्लांट्स में आप उसको, ठीक है, यूज करते हो आप उसको, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू अगर आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आपको रेडीमेड बोर्डेक्स मिक्सचर आपको मिला, बना बना मिलेगा, तो उसकी टेनिसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी ज्यादा फ्रेशली प्रिपेयर्ड वाले की होती है, ठीक है। तो जब भी कॉपी भी अगर आपको बोर्डेक्स मिक्सचर यूज करना हो तो आप फ्रेशली बना लो उसको, फ्रेशली कॉपर सल्फेट को लाइम के साथ ऐड करो और कॉपर सल्फेट लाइम और वाटर को ऐड करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। नेक्स्ट वन है कि इसमें ही जो मेजर यूज है कंक्लूड करता है कंट्रोल ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, मैंने आपको बताया था पोटैटो में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो उसके अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव मिलेगा। वेंचुरिया एनिकालिसिस जो एप्पल स्कैब्स वगैरह है इसमें आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव मिलेगा, प्लस डाउनी मिल्ड्यू जो ग्रेप्स का है, ठीक है, ये ग्रेप्स है, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स में डैम्पिंग ऑफ जो सिडलिंग में ना डिजीजेस आती है नर्सरी स्टेज में, डैम्पिंग ऑफ डिजीज में लीफ डिजीज ऑफ सेवरल क्रॉप्स में, बहुत सारे जो लीव्स के डिजीजेस है क्रॉप्स के जैसे लीव स्पॉट्स वगैरह हो गया, मिल्ड्यूज हो गया, और इनके अगेंस्ट में रफ ये रस्ट वगैरह हो गया, रस्ट कॉफी रस्ट वगैरह के अगेंस्ट भी ये जो बोर्डेक्स मिक्सचर है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार बोर्डेक्स पेस्ट, तो जो बोर्डेक्स पेस्ट होता है तो बोर्डेक्स पेस्ट क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है सेम कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि आप बोर्डेक्स मिक्सचर में देखते हो बिल्कुल वैसे का वैसे ही कंस्टिट्यूट करता है, और ये ना पेस्ट के फॉर्म में होता है, लेकिन बस फर्क इतना है वो मिक्सचर के फॉर्म में था ये होता है पेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसी जो ये क्वांटिटी है वाटर की यहाँ पे कम होती है, उसमें क्या होता है उसमें आपको मिक्सचर बनाना होता है तो आप वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रखते हो, यहाँ पे आपको पेस्ट बनाना है तो वाटर की क्वांटिटी कम रखोगे, ठीक है। तो मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर के कंपेयर में बोर्डेक्स मिक्सचर के कंपेयर में इसमें 10% मतलब होती है, ठीक है। और ये प्रिपेयर किया जाता है, आप कैसे इसको प्रिपेयर करोगे, 1 kg ऑफ कॉपर सल्फेट ले लो, 1 kg ऑफ लाइम, और ये आप 10 लीटर ऑफ वाटर में लेते हो, ठीक है। तो इसे आप 10 लीटर ऑफ वाटर में लेते हो, तो ये मेथड से मिक्सिंग दी सॉल्यूशन कर दो आप, और फिर देन वैसा ही है तरीका एक तरीके से जैसे आप ना बोर्डेक्स मिक्सचर को करते हो। तो ये यूज होता है वुंड ड्रेसर्स में, ओके, वुंड ड्रेसर्स में यूज होता है, मैंने आपको बताया था ट्री में जो वुंड ड्रेसिंग वगैरह होती है, जो वुंड पोर्शन होता है जब आप कट करते हो ट्रीज को, या ऑलरेडी जो वुंड आ जाता है वहां पे इफेक्टिव है अगेंस्ट इन्फेक्शंस जो फंगल पैथोजेंस के उनके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव है, और इट इज यूज्ड एज अ वुंड ड्रेसिंग फंजीसाइड्स के तौर पे आप इसको यूज करते हो, और ये पेंटेड है आफ्टर रिमूविंग डेड टिश्यूज, ठीक है। तो जब आप वुंड ड्रेसिंग वगैरह करते हो फंजीसाइड्स में
तो आप जब मतलब पेंट आप इसको पेंटेड कर सकते हो आफ्टर रिमूविंग जो डेड टिश्यूज वगैरह है वहां पे भी आप इसको लगा सकते हो। प्रूनिंग मैंने आपको बताया था, ट्रेनिंग प्रूनिंग जब हम प्लांट की करते हैं ना, प्रूनिंग करते, प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई छटाई वगैरह जो प्लांट की हम करते हैं। तो जब हम प्लांट की कटाई वगैरह करते हैं, एक्स्ट्रा अनवांटेड, जैसे अभी क्या होता है प्लांट पे ना बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो ब्रांचेस बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे ब्रांचेस की वजह से ना क्या होता है कि प्लांट में मतलब जो बियरिंग फ्रूट्स के है ना वो इतने अच्छे से इजीली नहीं हो पाते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते थे कि जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस है ना प्लांट उसमें प्लांट में ट्रीज में उसको हम काट देते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्स्ट्रा ब्रांचेस काटते हैं तो उसको हम प्रूनिंग बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे भी आपको पेस्ट कर वहां पे प्रूनिंग आपने अगर उस पार्ट से कट कर दिया तो वहां पे आप बोडेक्स पेस्ट आप यूज करते हो। और बेस्ट सब्सिट्यूट है किसका, बोडेक्स मिक्सचर का, बोडेक्स मिक्सचर का बेस्ट सब्सिट्यूट है। ओके, नेक्स्ट वन है बरगंडी मिक्सचर। तो जो ये बरगंडी मिक्सचर है, तो बरगंडी मिक्सचर क्या होता है, ये जो ये नेक्स्ट वन है ये है बरगंडी मिक्सचर। तो बरगंडी मिक्सचर में क्या होता है, ये हम बरगंडी जो मिक्सचर हम प्रिपेयर करेंगे इसको इसी तरीके से जैसे आप बॉडेक्स मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज फर्क है, वो ये है कि हमने लाइम को सब्सिट्यूट किया किससे, सोडियम कार्बोनेट से। ओके, हमने वहां पे क्या यूज कर रहे थे, वहां पे जो बॉडेक्स मिक्सचर है उस पे हम लाइम यूज कर रहे थे, चूना यूज कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, और जिसको हम सोडा बोडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ ये ना ये एक्चुअली जो डेवलप किया गया था बर्गंडी को, फ्रांस में डेवलप किया गया था, मैसॉन ने किया था। ठीक है, 1887 के, हाँ 1887 के करीब में उन्होंने डेवलप किया था। तो इसका जो यूजुअल फॉर्मूला है वो इस तरीके से है कि आप 1 किलो आप कॉपर सल्फेट ले लो, 1 किलो आप सोडियम कार्बोनेट, और इन्हें आप 100 जो लीटर है ना वाटर पानी उसमें आप मिक्स कर दो। ठीक है, फिर ये एक बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है बॉडेक्स मिक्सचर के लिए। ठीक है, और ये कॉपर जो सेंसिटिव क्रॉप्स है ना वहां पे भी आप इसे मतलब कॉपर सेंसिटिव क्रॉप्स वगैरह में भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, टू बॉडेक्स मिक्सचर, अगर इट इज यूज्ड इन कॉपर सेंसिटिव क्रॉप्स टू बॉडेक्स मिक्सचर। ओके, तो इस तरीके से आप बर्गंडी जो मिक्सचर है आप उसको बना सकते हो। फिर नेक्स्ट वन आता है चेस्टनट कंपाउंड। चेस्टनट कंपाउंड, तो चेस्टनट कंपाउंड, ये कंपाउंड यूजुअली प्रिपेयर होता है अगर इसमें आपके अगर इसमें आप मिक्सिंग कर दोगे किस चीज का, आप इसमें चेस्टनट कंपाउंड में आप 2 पार्ट ऑफ जो कॉपर सल्फेट है उसका और 11 पार्ट जो अमोनियम कार्बोनेट है इसका आप मिक्स करके बनाओगे। और ये जो फॉर्मूला ना ये सजेस्ट किया था बेविल ने अराउंड 1921 में, इन्होंने सजेस्ट किया था जहाँ पे इन्होंने 2 सॉल्ट लिए थे और उसको एक बहुत अच्छी तरीके से ना उन्होंने मतलब सॉल्ट को पाउडरली फॉर्म में यूज किया था और मिक्स किया था और स्टोर किया था एक एयर टाइट कंटेनर में 24 घंटे के लिए। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे क्या होता और ये इन्होंने डिजोल्व किया था वाटर में, इसका रेशियो है 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और ये जो ये मिक्सचर है डिजोल्व किया था इन्होंने इनिशियली थोड़ा थोड़ा गर्म पानी में डाल के, और ये वॉल्यूम इस तरीके से इन्होंने इंक्रीज किया था कोल्ड वाटर जो ठंडा वाटर है उसमें, और ये यूज किया था फॉर स्प्रेइंग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इसे यूज किया था। फिर ये जो इसका इसका जो यूज है ना वो सॉइल एप्लीकेशंस पे हमें ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, सॉइल एप्लीकेशंस वगैरह फंगिसाइड्स में हम इसका यूज करते हैं अगेंस्ट द डिजीजेस ऑफ पीथियम रेजोक्टोनिया वगैरह है ना, तो इसमें आप इसका एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन है कॉपर कार्बोनेट प्रिपरेशन। तो कॉपर कार्बोनेट प्रिपरेशन में चौबटिया पेस्ट है। तो क्या होता है कि जो चौबटिया पेस्ट है ना ये वुंड ड्रेसिंग का ही दूसरा नाम है, जो कि इंडियन जो साइंटिस्ट आर एस सिंह थे, जो इंडियन साइंटिस्ट जो सिंह थे उन्होंने दिया था इसे। ठीक है,
तो उन्होंने बताया था कि 1942 में दिया था उन्होंने सिंह ने, तो इन्होंने जो चौबटिया नाम इसका वहां से आया, यहाँ पे ना गवर्नमेंट का जो फ्रूट रिसर्च स्टेशन है चौबटिया अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का है, तो वहां पे वहां के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। और ये यूजुअली प्रिपेयर किया गया ग्लास कंटेनर में, ठीक है, ग्लास कंटेनर में यूज किया जाता है। और 800 ग्राम जो कॉपर कार्बोनेट है और 800 ग्राम आप रेड लेट लेंगे, ठीक है, तो ये और इसमें आप ना जो लिंसिड ऑयल, पता है आपको जो लिंसिड ऑयल होता है उसको आप 1 लीटर लिंसिड ऑयल को या लिनोलिन को आप लोगे, उसमें आप इसे बनाओगे। तो इसमें ये जो रेड लेट है वो जो सिंदूर टाइप का जो सिंदूर होता है वो होता है, ठीक है, तो उसे आप यूज करोगे। और ये पेस्ट यूजुअली अप्लाइड किया जाता है उन्हीं पार्टों में, जैसे टूम जो पार्ट होता है टूमिंग जब हम करते हैं वहाँ पे, और किस पे, ये एप्पल में, पियर में, पीच में कंट्रोल करना बहुत सारे डिजीजेस वगैरह को, ओके। और ये पेस्ट में इसका एडवांटेजेस है कि ये इजीली ना जो ये जो बरसात वगैरह होती है तो बरसात वगैरह में ना ये ईजीली रिमूव नहीं होता, मतलब वॉश आउट नहीं हो पाता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चौबटिया पेस्ट पर, ये याद रखना कि बरसात में ये इजीली रिमूव नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि इसमें हम तेल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल का, ऑयल इतना जल्दी रिमूव नहीं हो पाता है, ओके। तो और ये सक्सेसफुली यूज हुआ है मैनेज करना पिंक डिजीज का, स्टेम रस्ट वगैरह जो डिजीज है, ठीक है, स्टेम रस्ट वगैरह स्टेम में, सॉरी नॉट स्टेम रस्ट, स्टेम कैंकर में, कॉलरा रॉड डिजीज में, एप्पल्स में, पीच में, पियर में, आपको ये इजीली सक्सेसफुल आपको मैनेजमेंट का देखने के लिए मिलेगा। और सिर्फ डिजीज से डिजीज में मैनेजमेंट नहीं होता है, साथ ही साथ वुंड ड्रेसिंग जो फंजीसाइड्स का है ना उनमें भी ये मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उनके अगेंस्ट भी ये बहुत अच्छी तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाता है कि जब कभी प्लांट पे वुंड वगैरह कॉज होता है तो आप वहाँ पर भी चौबटिया पेस्ट का यूज कर सकते हो। और इसका बहुत इजी तरीका होता है, और ये जितने भी आपको मैं फॉर्मुलेशंस बता रही हूँ ना, बॉडेक्स मिक्सचर का, चौबटिया का और बरगंडी का, इनको ना याद रखना, क्योंकि यहाँ पे इनके मिक्सचर्स में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लाइन किसमें था, लिंसिड ऑयल कहाँ यूज करना था, तो वाटर कंटेंट कहाँ यूज करना था, इस तरीके से, तो ये कंफ्यूजन ना हो, इससे आप इसका जो फॉर्मुलेशन है वो एक बार अच्छे से देख लेना, गो थ्रू होना इसके इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्यूपरस ऑक्साइड प्रिपरेशन। अब क्यूपरस ऑक्साइड है उसका हम किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तो क्यूपरस ऑक्साइड में क्यूपरस ऑक्साइड ना फंगीमाल नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, फंगीमाल नाम से आपको मिलेगा। फिर देन उसमें परनॉक्स, कॉपर सैंडोस, कॉपर 4% डस्ट, प्रिकॉट, कप्रॉक्स, और ये जो इन नाम से आपको जो ट्रेड नेम है इनके, इस नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड्स है ये प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स से यूज बहुत सारे सीड ट्रीटमेंट्स में, हमने अभी पढ़ा था सल्फर में सीड ट्रीटमेंट्स सीरम बहुत ज़्यादा यूज इफेक्टिव होता है ना, वैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड भी सीड ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में इफेक्टिव है। फोलेज एप्लीकेशंस में भी अगेंस्ट जो ब्लाइड है, मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यूज और रस्ट वगैरह ना, तो इनके अगेंस्ट में भी ये बहुत इनका ना एप्लीकेशंस किया जाता है, फोलेज एप्लीकेशंस में ये आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, क्यूपरस ऑक्साइड, ओके। और ये याद रखना क्यूपरस ऑक्साइड यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट में भी काम आ रहा है। नेक्स्ट वन है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रिपरेशन। तो बिल्टॉक्स बहुत फेमस है, आपने देखा सुना भी होगा कई बार, और लेबोरेटरी में आपने देखा भी होगा ये कंपाउंड को, बिल्टॉक्स को, क्यूप्राम 50 वेटेबल पाउडर और फाइटोलॉन ब्लिमिक्स 4% मिकॉप डी 06 मिकॉप वेटेबल पाउडर 50, ठीक है, ब्लू कॉपर 50, इस तरीके से जो ये है ये आपको इस इन ट्रेड नेम से आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। एंड दिस इज अ प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स, यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, पोटैटो में बहुत सारे लीव स्पॉट्स जो होते हैं लीव्स में
और लीफ ब्लाइट के अगेंस्ट, लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट जो पैथोजेंस होते हैं फील्ड में, उनके अगेंस्ट आपको ये इफेक्टिव मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अब मैंने आज आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बारे में बताया। तो आज मैंने आपको जितना भी है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सल्फर, इन सब के बारे में आपको बताया, और इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप एक बार अच्छे से देख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि थीरम के बारे में, ठीक है, मैनकोजेब, डायथियन, डायथेन M45 का ट्रेट है, मैं बहुत कन्फ्यूजन होता है इसका और मैनेट के इसमें, तो और मैनकोजेब मैनेट प्लस जिंक का फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको मैनकोजेब हो गया और थीरम हो गया, जीराम हो गया, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंस है, इन्हें आप अच्छे से एक बार देख लेना कि इनमें कौन कौन से पॉइंट्स मैंने आपको जो जो बताए थे। और थीरम से ही स्टार्ट होता है सीड ट्रीटमेंट का, ये भी मैंने आपको बताया था, सल्फर में थीरम से हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर कॉपर फंजीसाइड्स का बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉपर फंजीसाइड्स में मैंने आपको इनके बॉडेक्स मिक्सचर में जो मैंने आपको फॉर्मुलेशन है कॉपर सल्फेट का लाइम के साथ और वाटर के साथ, कॉपर सल्फेट लाइम और वाटर इन तीनों के मिक्सचर से बॉडी मिक्सचर प्रिपेयर होता है। ठीक है, और फ्रेशली अगर आप प्रिपेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि बॉडेक्स पेस्ट और बताया था कि सेम फॉर्मुलेशन है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आप पानी का अमाउंट कम कर देते हो। जहाँ पानी 10 लीटर रख रहे हो वहाँ पानी 10, जहाँ पानी 100 लीटर रख रहे हो वहाँ पानी क्या कर रहे हो 10 लीटर रख रहे हो, क्योंकि आपको पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट बनाने के लिए हमेशा पानी की जो क्वांटिटी होती है वो हमें कम रखनी पड़ती है। ठीक है, फिर पेस्ट वगैरह वुंड ड्रेसिंग वगैरह के लिए आपको काम आएगा, और अगर आप मिक्सचर बनाते हो तो आपको फोलियर एप्लीकेशन वगैरह में वो आपके काम पे आएगा। फिर तो मैंने आपको बताया कि बर्गंडी मिक्सचर के बारे में, आपको मैंने ये बताया था कि जो बर्गंडी मिक्सचर है वहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है वो तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन लाइम का सब्सिट्यूट मिल जाएगा लाइम का, और वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। लाइम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट आ गया, फर्क इतना है बर्गंडी में। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, बर्गंडी में कॉपर सल्फेट, बर्गंडी और सोडियम, बर्गंडी और बॉडेक्स मिक्सचर में सेम था, फर्क इतना हुआ कि बर्गंडी में आ गया आपका जो सोडियम कार्बोनेट है वो आ गया लाइम के जगह। ठीक है, और फिर चेस्टनट कंपाउंड भी बताया था मैंने, 2 पार्ट आप कॉपर सल्फेट ले लो और 11 पार्ट आप अमोनियम कार्बोनेट ले लो चेस्टनट कंपाउंड के। फिर चौबट या पेस्ट का मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में डेवलप हुआ था ये चीज। ठीक है, तो इंडियन साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया था, इंडिया में डेवलप हुआ था, तो इसका प्रिपरेशन की 800 ग्राम कॉपर कार्बोनेट ले रहे हो आप, प्लस 800 ग्राम रेड लीड ले रहे हो, और 1 लीटर आप लिंसिड ऑयल का ले रहे हो, जिसको हम जवस भी बोलते हैं लिंसिड को, तो इसका ऑयल आप ले रहे हो, तो इसका आप यूज कर रहे हो चौबटिया पेस्ट बनाने में। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो हमारे टेम्परेट क्रॉप्स वगैरह हैं उनके लिए, और एज वेल एज टेम्परेट क्रॉप्स में इफेक्टिव होता है, और साथ ही साथ ये इसका एक एडवांटेजेस ये भी है कि ये जो वॉश आउट होता है ना, जब इसका जब ये रेन फ्लैश रेन स्प्लैशेस वगैरह और रेनी सीजन में जो आप इरीगेशन वगैरह जब आप देखते हो तो कई ऐसे केमिकल्स हैं उनका वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो ये नहीं हो पाता है। ठीक है, ये इजीली वॉश आउट नहीं होता, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे चीज़ चौबटिया पेस्ट, ये इम्पोर्टेंट रखना, याद रखना इसका फॉर्मुलेशन। ओके, और इस तरीके से चौबटिया पेस्ट वगैरह का फॉर्मुलेशन आप याद रखना, और इनके यूजेस की कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इसमें ये यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आज हमने सल्फर को कंप्लीट कर दिया है, और सल्फर फंजीसाइड और कॉपर फंजीसाइड, और बेसिकली ना ये दोनों फंजीसाइड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, सल्फर और कॉपर फंजीसाइड्स, बिकॉज इनका बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इनका जो यूज़ होता है उसके कारण। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आगे जो डिफरेंट फंजी और फर्दर जो फंजीसाइड्स हैं मार्केट में जिनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है,
इनके अलावा वो भी फंगिसाइड्स हम देखेंगे, वो हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में. सो थैंक यू सो मच.